हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? हम ठीक हैं, आप भी ठीक रहो। और वेलकम टू बैक माय चैनल मोनिका व्लॉग्स। देखो फ्रेंड्स, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। अभी कितना बज रहा है पता है? 3 बज रहा है, पर बिल्कुल भी धूप नहीं है। राजस्थान में धूप बहुत ज़्यादा रहता है ठंडी के मौसम में। रात के समय ठंडी, सुबह के समय धूप, पर अभी बारिश गिर रहा है, बहुत ही ठंडा मौसम लग रहा है। हम तो 6 बजे तक हम लाइट नहीं जलाते हैं, पर आज 3 बजे ही लाइट जला दिए हैं। कितना अंधेरा हो गया पूरा घर, देखो अंधेरा अंधेरा लग रहा है पूरा हॉल रूम भी। और सामने से देखो कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ कितने हिल रहे हैं, हवा इतना चल रहा है, देख रहे हो? देखो इतना हवा चल रहा है आज, बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है। अब राजस्थान में ठंडी शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इतना तूफान या फिर हवा, बारिश, पानी सब कुछ स्टार्ट हो गया है। तो ठंडी स्टार्ट होने से पहले बारिश बहुत तेज़ गिरती है, तो इसलिए बारिश बहुत तेज़ कर रही है। मौसम देखो कितना सुंदर है, मौसम भी बहुत सुंदर है, और अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है, फिर भी हवा नहीं कम हुआ है, हो रहा है बारिश। तो हम अभी घर जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो बच्चे को होमवर्क करवा के तब पूछ। अभी लाइट गोल हो गया है, फिर भी मेरी बेटी पढ़ने के लिए उसके पापा एक बल्ब, जो इलेक्ट्रिकल बल्ब रहता है, वो लेके आए हैं, चार्जिंग बल्ब। ये मेरी बेटी पढ़ रही है। हाय बोलो निशी। हाय यशु। हाय। ये होमवर्क कर रही है, देखो होमवर्क होमवर्क देखे। और अच्छी तरह स्कूल कैसा लग रहा है नी यशु? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल। वाह, अभी बज रहा है, कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। मेरी छोटी बेटी आमला खा रही है, उसको बहुत ही कड़वा लग रहा है। दिखाती हूँ आपको एग्जांपल, देखो निशी। देखो आमला बहुत कड़वा लग रहा है उसको, इसलिए। तो अभी देख लेना, एक वीडियो है, मेरे हस्बैंड मेरा कितना केयर करते हैं, कितनी सारी सब्जी लेके आए हैं, सब आपको ठीक है। देखो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में भंडारा है, नवरात्रि का भंडारा। ऐसी लग रहा है वो बोरी देखने से और फल देखने से, ऐसा लग रहा है। हाय फ्रेंड्स, देखो मेरे हस्बैंड जो हैं इतना सारा सब्जी लेके आए हैं। ये सब्जी कितना है, कितने का है पता है? पूरा 2000 का, 2000 के पूरी सब्जियां हैं। और ये हाय फ्रेंड्स, ये है पूरा फल, कितने का है? 1000 का फल है। नवरात्रि चल रहा है ना, नवरात्रि में हम उपवास हैं, तो इसलिए हमारे हस्बैंड फल लेके आए हैं। कितना केयरिंग हस्बैंड है, देखे हो? और क्या बोलते, एक साथ अगर मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो फिर एक साथ लेके आ गए, पर इतना नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि आधा रख के फिर फ्रिज में अगर प्लेस नहीं रहेगा, फ्रिज भी इतना छोटा फ्रिज है कि प्लेस नहीं रहेगा बिल्कुल भी। इसलिए देखो कितना सारा सब्जियाँ लेके आ गए हैं। ये है पूरा धनिया, सब कुछ लाइन से एकदम भंडारा में जब से लेके आते हैं, पूरे एक बोरी लेके आ गए हैं सब्जी। तो क्या करें अभी समझ नहीं आ रहा है, पर देखो ये धनिया है। धनिया ये कितने का होगा नहीं पता, 20 या 30 रुपए का होगा। यहाँ बहुत महंगा सब्जी है, फिर भी ये लेके आए हैं, इसलिए 2000 हुआ है पूरा, सिर्फ सब्जी का, उसके बाद फल का अलग से। इसलिए देखो कितना सारा है, इसलिए लेडीज कृपया करके आप ही लोग जाना, हस्बैंड को मत भेजना। हस्बैंड को भेजोगे ऐसे ही लेके आ जाएंगे पूरे एक साथ, उसमें पैसा भी बचत नहीं होगा। और ये मेरी छोटी जो बेटी है ना, बेटी बहुत परेशान करती है, वीडियो नहीं करने देती है, फिर भी व्लॉग निकालना है तो फिर मैं निकाल रही हूँ इसलिए। और ये देखो, ये मशरूम है, यहाँ मशरूम 50 रुपये का पैकेट है, पर ये कितने का पैकेट है नहीं पता। मैं जब लाती थी 50 रुपये का गाड़ी में, और ये शॉप से है तो शायद 60-70 का होगा। और ये 2 पैकेट लेके आए हैं मशरूम, और ये जो व्हाइट वाला, ये रेड कलर आलू है, वो भी लेके आए हैं, मतलब उपास में खाते हैं तो अच्छा है करके, इसलिए। फिर उसके बाद इसमें दिख रहा है टमाटर, बैंगन, और क्या बोलते हैं ये प्याज, आलू, लौकी, सब कुछ, करेला, जितनी भी सब्जियां हैं पूरी, और प्याज भी 2-2 किलो, आलू भी 2 किलो, टमाटर भी 2 किलो, ऐसे सब लेके आ चुके हैं देखो। इसलिए आप प्लीज लेडीज ही जाना, जेंट्स को मत भेजना, जेंट्स को भेजेंगे तो ऐसे लेके आ जाएंगे, पर कोई कोई जेंट्स समझदार रहते हैं कि इतना सब सब्जी ले जाके क्या करें,
जितना हो सके उतना बस कम करते हैं, पर ये ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं फिर मेरी वाइफ को क्यों इतना परेशान करूँ करके वो पहले से ही ला देते हैं, इसलिए केयरिंग हस्बैंड है ये हमारे। देखियो मेरे हस्बैंड को तो नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ इसी को दिखा रही हूँ सब्जी को, क्योंकि इतना सारा सब्जी है क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं अभी आगे, देखिए वीडियो ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो मशरूम का पैकेट है, बहुत ही अच्छा बनता है सब्जी, मटन और क्या बोलते हैं चिकन भी काम नहीं आएगा, इसको सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, मेरे को भी पसंद है, इसलिए तीन तीन लेके आ गए हैं, एक और है इसमें ठीक है। देखिए अभी कैसे निकालूं समझ नहीं आ रहा है, आप लोग कुछ भी मतलब आइडिया दे सकते तो दे दो। देखो पूरा निकालना, गिराना पड़ेगा अभी नीचे, ये लौकी एक दिन मैं इनको लौकी कोफ्ता बना के खिलाई थी, इसलिए उनको तब से लौकी पसंद आ गई, नहीं तो लौकी कभी नहीं लेके आते हैं। तो आप भी अच्छे अच्छे फूड बनाइए, अपने हस्बैंड को खिलाइए, तो ऐसी सब सब्जियां लेके आएंगे। एप्पल एप्पल पूरा निकाल रही हूँ अभी तो, अरे बाप रे, हम दो तीन सब्जी लाने से ही हम फ्रिज में रखने के लिए बहुत तकलीफ करते हैं, तकलीफ झेलते हैं, ऐसे में एक बोरी सब्जी कैसे रखूं समझ नहीं आ रहा है एकदम। देखो हरी मिर्ची भी एक पाव लेके आए हम जाते हैं। हम जाते हैं तो हरी मिर्ची 10 रुपए का बस लेके आते हैं कि वो बस चल जाए वही ठीक है, ये तो इतना सर लेके आ गए हैं। देखो ऐसे होता है, हस्बैंड को मत भेजिए, हस्बैंड को भेजोगे तो मनी सेव नहीं होगा, हस्बैंड से पैसा लिए ले लो और क्या बोलते कम सब्जी का लेके आओ और अपना पॉकेट मनी रख लो बस। मुझे क्या करना है, देखो इतने सारे सब्जी हैं, यहाँ कोई अलग अलग से पॉलीथीन नहीं करते देते हैं क्योंकि यहाँ पॉलीथीन बैन है, इसलिए सब सब्जी एक ही में मिक्स है तो इसलिए मेरे को अलग करना पड़ेगा पहले, इसलिए प्याज डाल देती हूँ, प्याज की टोकरी यहीं पर है, प्याज लहसुन और आलू डाल दूंगी, उसके बाद मैं ये पूरा फ्रिज में रखना पड़ेगा झिल्ली में बांध के, इसलिए कंटिन्यू करते रहिए। देखिए मैं कितना आज मेहनत कर रही हूँ, ये सब्जी लाने में बहुत मेहनत करते हैं हम, दो तीन सब्जी लाने में ही हमको ऐसा लगता है कब रखूँगी, फ्रिज में रखने का टाइम नहीं मिलता है, ऐसे में एक बोरी सब्जी कैसे रख रही हूँ वो आप देखिए ठीक है। आगे वीडियो देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए कि हस्बैंड को सब्जी लेने के लिए ना भेजे। देखो 2 किलो प्याज है, एक एक टुक निकाल रही हूँ समझ ही नहीं आ रहा है, देखो एकदम 2 किलो प्याज है। मेरी बेटी को बुला रही हूँ, बड़ी वाली बेटी को, क्यों मेरे को हेल्प कर दे, ये चप्पल निकाल के आके मेरे को हेल्प करो प्याज रखने के लिए, चलो करो जल्दी से। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं बैगन है, भिंडी को क्या बोलते हैं, इनमें से सबको ढूंढने में ही समय वो टाइम निकल जाएगा कि कितना है, तो ये तो सबसे बड़ा काम है, खाना बन रहा है ऊपर, हमारा तो व्रत है तो हम नहीं खाएंगे, तो बच्चे को और पति को बनाना पड़ेगा, हस्बैंड जी को बनाना पड़ेगा, तो सही उन के लिए तो बना रही हूँ। मेरी येशु डालेगी, येशु इधर आके डालो सब्जियाँ डालो, मम्मी का हेल्प कर रही है मेरी बेटी, इस तरफ आके यहाँ आलू डालो, वहाँ प्याज डालो, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आओ। फ्रेंड्स ये सब्जी में कैरेट भी है, मेरे हस्बैंड सुबह कैरेट और ये जो बीटरूट है, बीटरूट भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, हमारी बच्ची भी खाती है, कैरेट पसंद है यीशु, अच्छी बात है ना, हाँ कैरेट हमारी बच्ची भी खाती है, इसलिए कैरेट 1 किलो और बीटरूट 1 किलो लेके आए हैं, तो इसलिए सब्जियां में ये भी है, इसलिए ज्यादा लग रहा होगा नहीं पता, अभी तो केले भी हैं, फ्रूट्स भी है, सब कुछ लेके आ गए हैं, तो रखना है, रखती हूँ, अब वीडियो बना रही हूँ, रख रही हूँ, दोनों कर रही हूँ, वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि मेरे हस्बैंड कितना केयरिंग हस्बैंड है, और मेन मैं नवरात्रि का उपवास कर रही हूँ तो फिर इतने सारे फल एक ही साथ लेके आ गए, फल एक साथ लेके आने में तो ऐसे बात नहीं है,
वो हो जाएगा, फल खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी भी खाती है, छोटी बेटी भी, मैं भी खाती हूँ। तो पर सब्जियां तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगी, ऐसे फ्रिज में रहते रहते उसको फिर देखना पड़ता है बार बार कि सड़ रहा है कि वो हो रहा है करके, इसलिए तो ज्यादा सब्जी मत लेके आइए, हफ्ते में एक बार बस जाइए और लेके आइए। पर ऐसा इतना ज्यादा लेके आ जाएंगे, दो लोगों के लिए इतना कितना सब्जी बना लोगे? 1 किलो सब्जी तो नहीं बना पाओगे, आधा किलो सब्जी तो बन सकता है, तो इसलिए ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ राजस्थान में सब्जियाँ का रेट बहुत ज़्यादा है, सब सोचते हैं राजस्थान में पूर पीपल है तो कम है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आर्मी कैंट के अंदर सब्जी की रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा 40 से ऊपर ही होगा, पर नीचे नहीं होता है। तो अभी तो ठंडी का मौसम है तो और ज़्यादा ही होगा लग रहा है। देखो बीटरूट भी है और ये लाल वाला है और ये करेला है, बैगन है, बैगन का भरता बनाती हूँ, क्योंकि बैगन है पर छोटे छोटे बैगन लाए हैं, इसको क्या क्या भरता बनेगा। और ये क्या बोलते हैं, खीरा भी हम खाते हैं सलाद में, तो खीरा भी लेके आए हैं। और ये आंवला भी बहुत अच्छा है, आंवला खाने से बहुत शरीर के लिए अच्छा है और बाल के लिए अच्छा है, बाल भी मस्त बढ़ते हैं, झड़ते नहीं है, और इसमें बहुत अच्छी प्रोटीन मिलती है। आंवला हम खाते हैं, हमारे हस्बैंड भी खाते हैं, मेरी छोटी बेटी भी खाई है, मैं शॉर्ट्स की हूँ देख लेना, तो इसलिए आंवला 1 किलो लेके आए हैं। देखो और बंदा भाजी भी लेके आए हैं, बंदा गोभी भी लेके आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखियो इतना सारा सब्जी है, 2 दिन में लग गया, ऐसे एक हफ्ता लगेगा सब्जी बनाने में, पूरा कम्प्लीट करने में। देखो कैरेट हमारे वाले को बहुत पसंद है, कैरेट खाते रहते हैं, ऐसी धो के दूंगी आपको, ऐसे मत बैठ कमेंट मत करना कि आप धो के नहीं दिए हो। और देखो टमाटर भी लेके आए हैं, मेरी बड़ी बेटी बता रही टमाटर भी लेके आए करके, ठीक है फ्रेंड्स। और ध्यान रखिए कि ज्यादा सब्जी ना लेके आए, और अभी तो क्या बोलते हैं सजनी में हो या फिर कहीं भी हो, आर्मी कैंट में बहुत महंगा सब्जी है, सस्ता नहीं है, राजस्थान में सस्ता बाहर है, बहुत सस्ता है बाहर तो, पर अंदर बहुत महंगा सब्जी है, तो हमको टाइम नहीं मिलता, दोनों बच्चे से नहीं हो पाता, इसलिए हस्बैंड लेके आते हैं, ठीक है। आगे देखते रहिए, और अभी खाना बन रहा है, खाना भी देखना है, ये भी देखना है, मेरे को बहुत मुश्किल आ गया है। देखो ये भी छोटी सी बच्ची है, ऐसे ऐसे खेलती है, देखो हाय बोलो, हाय 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 नहीं बोलना है उसको, अभी मम्मी के पास सोना है, ऐसे ऐसे सो जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स ये चावल बन रहा है, और क्या बोलते हैं ये दाल बन रहा है, दाल बन गया है, कम्प्लीट हो गया है, इसलिए इसको ऐसे रख देते हैं। और चावल बन रहा है, और सुबह खाने के लिए मेरे हस्बैंड उड़द दाल, मूंग दाल रखे हैं, और इधर सब्जियां देखो कैसे पड़ी हुई है, सब्जियां बहुत सारी ऐसी पड़ी हुई है, ठीक है। ये जो धनिया है, धनिया को ऐसे मतलब ऐसे तोड़ के रख दूंगी, अभी तो मैं उठूंगी फिर काटना पड़ेगा, बहुत होता है, तो इसलिए ऐसे तोड़ के रख दूंगी, जब डालते समय धो के डाल दूंगी। ऐसे तोड़ के रखने से क्या है, सड़ता नहीं है धनिया, इसकी जड़ निकाल देनी चाहिए। और ये बॉक्स में जो रख देती, ये बॉक्स कौन सा बॉक्स है, मतलब खजूर उजूर लेके आते हैं तो उस बॉक्स को मैं रखे रहती हूँ, काम आता है करके, तो इसलिए रख रही हूँ, हो गया। और जो हरी मिर्ची और अदरक रहता है मैं इसमें डालती हूँ, इसमें तो पहले से ही अदरक है, देखो अदरक कितने सारे हैं, फिर भी अदरक लेके आ गया, अदरक 100-200 का है, बहुत महंगा अदरक है, तो इतना सारा लेके आ गए हैं मेरे हस्बैंड, ठीक है। अभी खाना देख रही हूँ, हरी मिर्ची में अदरक डाल देती हूँ, क्योंकि एक साथ होगा करके इसमें डाल दे रही हूँ। और ये जो पुराना वाला अदरक है उसको लहसुन और अदरक का पेस्ट बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारा है ना, वो सड़ जाएगा। और फ्रेंड्स आप सोचते होंगे कि क्या बोलते हैं ये सब्जियों का भी व्लॉग बनाना अच्छा नहीं है, तो फिर मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड केयरिंग होना चाहिए कि वाइफ बार बार ना जाए दुकान या फिर बाजार ना जाए, छोटे बच्चे से नहीं हो पाता है, तो ऐसे में तो हस्बैंड मतलब वाइफ जाती है तो उनके हस्बैंड गंदे भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, पर यह है कि जब टाइम मिलता तभी ले गया, पर इतना सारा लेके आना बहुत मतलब वो है, पैसा वेस्ट है, क्योंकि इतना सारा लेके आने से एक साथ तो मैं पूरा बना नहीं दूंगी, एक बनाऊंगी तो एक सड़ जाएगा, इसलिए पूरा नहीं बनाना है। और देखो मेरी बड़ी बेटी भी फ्रिज में रख दे रही है, फ्रिज में रख दे रही है, और छोटी वाली इधर एप्पल खा रही है, देख रहे हो छोटी वाली को एप्पल खा रही है, वो अब शैतान नहीं है, शांत हो गई है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि सब्जी लाओ पर कम लेके आना, क्योंकि ऐसा नहीं है कैंट में बहुत ज़्यादा रेट होता है,
जब रेट ज्यादा है तो कम लेके आए, वही सेफ है। कम रेट में ज्यादा लेके आओगे वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वेस्ट क्यों करना, किसी और कोई भी और भी ले सकता है। देखो टमाटर बॉक्स में डाल देती हूँ, हो गया पूरा पैकिंग। टमाटर बहुत अच्छे अच्छे हैं, रेड रेड। देखो अभी इतना सा सब्जी है, ये भी है, ये भी आज नहीं बनाऊंगी कल बनाऊंगी। फ्रेंड्स प्लेस नहीं है बिल्कुल भी, तो ये फ्रूट कितने सारे हैं उसको कहाँ रखूं समझ नहीं आ रहा है। रुक जाओ निशी, नहीं एप्पल बहुत अच्छा है पर यहाँ 1 किलो 250 रुपए है, या फिर नहीं पता मुझे कितना है क्योंकि मैं कभी जाती नहीं हूँ इसलिए। बैठ इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, एलो 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 नहीं पता कितना रेट है पर इतना सब लेके आ गया है। मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा कितना रेट है, मैं जब जाती नहीं हूँ, जाऊंगी भी तो इतना सब लेके नहीं आ पाऊंगी, दो दो बच्चे हैं ना इसलिए ये ऊपर रखी हूँ, तब तक यहाँ बाहर रखना पड़ रहा है। अब प्याज के ऊपर फल भी रखना पड़ रहा है, क्या करूँ प्लेस नहीं है। ये है, ये तो बाहर ही रखना है। वो ये प्राइस इतना गंदा हो गया है सब। ये भी है, इसको कहाँ रखूँ, माय फ्रेंड्स देखिए ये सब्जी का पूरा भर गया है एकदम, और मेरे फ्रिज में गिर जा रहे हैं। दूध प्लेस भी नहीं है, फिर भी रखी हूँ दूध, और यहाँ पूरा प्लेस ही नहीं है कुछ भी चीज़ के लिए। आज मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोरा बहुत काम कर दिया है। देखो ब्रेड भी लेके आ गए, ब्रेड ऊपर ही रहेगा, दही भी निकाल दी, सब कुछ निकाल दी हूँ, वो अब फ्रिज में नहीं रहेगा, फ्रिज में बहुत भारी का काम हो गया। और आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं, आप भी 9 दिन का उपवास होंगी या फिर पूजा कर रही होंगी पहला और लास्ट का, तो बहुत ही शुभकामनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया वीडियो लास्ट, मेरा खाना बन गया है, मेरे बच्चे को अब खिलाना है। देखो ये एप्पल खाई है अभी अभी, रुक जाओ ऋषि, ऋषि रुक जाओ। देखो फ्रेंड्स मेरा पूजा भी हुआ, शाम को पूजा करके ही मैं सब कुछ की, दोनों टाइम नहाती हूँ। देखो दुर्गा जी मेरी माता, और ये बालाजी मंदिर का है, और ये शिव जी, ये शिवलिंग है, सब भी ठीक है एकदम अच्छे अच्छे। पूजा हो गया है, आप लोग का भी हो गया होगा अगर सोच रही हूँ। निशी जय करो, जय जय जय, नहीं कर अभी नहीं कर रही है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने जय, पर वो करती है पूजा। देखो हो गया है, और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा एकदम, बारिश भी बहुत गिरा है। मेरी छोटी बेटी, बड़ी बेटी होमवर्क भी कर रही है, कर लो ये शो होमवर्क जल्दी जल्दी। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, बस इतना ही था, मतलब व्लॉग करना था तो फिर इसलिए की। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा करके सोच रही हूँ, अगर प्लीज़ हमारा वीडियो कोई पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए,
शेयर करना है तो आपकी मर्जी, नहीं करोगे भी तो आपकी मर्जी, पर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज। और क्या बोलते हैं, और कुछ नहीं, बस फ्रेंड्स इतना ही है। मेरे मेहनत का फल तो दे दो। हाँ हूँ क्या है, हूँ हाय बोलो, हाय। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत गर्मी लग रहा है, मतलब आज ठंडा का मौसम है पर बहुत गर्मी लग रहा है। अभी तक करंट नहीं था तो नहाए, फिर पूजा की, फिर उसके बाद वो सब काम की। एक बोरी सब्जी बहुत मायने रहता है तो उसको ठीक करना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको, और मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं 590 या फिर 580, उन लोगों को सबको थैंक यू सो मच मेरे को सपोर्ट करने के लिए, और आगे ऐसी सपोर्ट कीजिए प्लीज़, तब जाके मैं वीडियो और बनाऊँगी। ठीक है, बाय बाय।